हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है, हमारी किसके ऊपर चर्चा होने वाली है। एक प्रॉपर, एक सटीक, एक ऐसा साइंटिफिक टाइम टेबल जो आपको इस बार नवंबर अटेम्प्ट 2020 में सिंगल शॉट में गो थ्रू करवाएगा। यस गाइस, तो जहां तक ये बात है, मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख के रखा हूं, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मैं बस आया, मैंने अपना कैमरा ऑन किया और सामने बैठ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बात करने वाला हूं अपने अंदर से। जो भी चीजें मैंने फेस की थी पिछले साल, यही साल सेम सिचुएशन, बस मेरा 2019 चल रहा था उसमें। 2019 में जो सेम सिचुएशन मैंने फेस की थी, मेरा मई में एग्जाम हो गया था, मई में नहीं जून में हुआ था, इलेक्शन के कारण पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो वो उसके बाद मेरा एग्जाम हो गया था, अभी मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, इसके बाद अभी मेरा नवंबर अटेम्प्ट था, तो उसके बाद मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, मैंने कैसे कंप्लीट किया अपने सिलेबस, जो भी सेल्फ स्टडी मैंने की, मैंने आपको बताया कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की है, क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रही, कौन से टीचर से यूट्यूब वीडियो मैंने रिफर किया। भाई सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन बता दूं, कुछ बच्चे मैं टेलीग्राम में मैसेज करते बोलते थे कि आपने बोला आपने सेल्फ स्टडी की है तो पूरी सेल्फ स्टडी की। बेटा सेल्फ स्टडी मतलब होता है किसी कोचिंग को ना लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब आप इस अपने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपके पास ये वेपन है, दिस वेपन का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। दिस वेपन ये आपको गो थ्रू कराएगा अगर आप सेल्फ लर्नर हो तो। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ही बहुत ज्यादा डाउटफुल थे कि कैसे करें, या फिर उन बच्चों की जिनकी कोचिंग खत्म हो गई है और ड्यू टू दिस कोरोना वायरस उनका एग्जाम अभी नहीं हो पा रहा है, वो ऑप्ट आउट कर लिया और नवंबर में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी है नवंबर एग्जाम में कैसे गो थ्रू करोगे। क्योंकि वी नो दैट जून को हम हटा देते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चार महीने बचे हैं नवंबर का एग्जाम होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर दिसंबर तक पोस्टपोन हुआ, जो कि आप मत मान के चलना, मत मानना, आप मान के चलो नवंबर में एग्जाम, तो नवंबर में एग्जाम होगा, तो चार महीने की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। सबसे पहली आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो हर सब्जेक्ट का। क्या बोला मैंने? एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो हर सब्जेक्ट का, पहली रिक्वेस्ट। आने वाले दो महीने में खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली दो महीना सफिशियंट है रिविजन के लिए, दो महीना सफिशियंट है रिविजन के लिए, ठीक है। रिविजन कितने टाइम होना चाहिए ये भी डाउट होता है बच्चों के, तो मेरा ये मानना है एटलीस्ट अगर आपको एकदम श्योर होना है कि इस बार मेरा एक अटेम्प्ट में निकलेगा, तो कम से कम दो से तीन बार आपका रिविजन हो जाना चाहिए एग्जाम के पहले, दो से तीन बार हर सब्जेक्ट का रिविजन हो जाना चाहिए। भैया रिवीजन मतलब क्या होता है? एक बार कंप्लीट करो, फिर दूसरी बार कंप्लीट करो, फिर तीसरी बार कंप्लीट करो, नहीं बेटा दिमाग से रिवीजन करो। जब पहली बार कर रहे हो सिलेबस, जब पहली बार सिलेबस, थोड़ी सी वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि डेप्थ में बताने वाला हूँ, जब पहली बार लेके बैठे हो ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन एक बार में बन गए कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको अगली बार मत करना सॉल्व, पर जो क्वेश्चन में फंस गए उसको भुला बना के रखो, टिक करके रखो, लेवल देखे रखो, लेवल थ्री का क्वेश्चन, लेवल फोर का क्वेश्चन, लेवल फाइव का क्वेश्चन, ठीक है, मस्ट रिपीट क्वेश्चन। सेकंड टाइम बैठोगे ना तो लेवल थ्री और लेवल फोर और लेवल फाइव के क्वेश्चन को रिपीट करो, थर्ड टाइम बैठोगे सिर्फ लेवल फोर के क्वेश्चन को रिपीट करो, और जब लास्ट टाइम बैठोगे फोर्थ रिवीजन तक बहुत कम ही बच्चे पहुंच पाते हैं, और जो बच्चे पहुंच जाए, जैसे मैं थर्ड रिवीजन पे ही खत्म कर दिया था, तो फोर्थ रिवीजन तक पहुंच गए तो लेवल फाइव के क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कहां से करने? आरटीपी, एमटीपी, बुक, आईसीए का मॉड्यूल चाट दो, पूरा खा जाओ, पूरा उसको, पूरा खा जाओ उसको, आईसीए के मॉड्यूल को, आईसीए का मॉड्यूल भगवद गीता है, उसको प्रणाम करो और पूरा पढ़ो, प्यार से पढ़ो पूरा, उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आरटीपी आरटीपी से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होके आते हैं, ये सब चीजें बेटा दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। मेहनत करनी है पर हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जरूरी, कॉम्प्लीमेंट करो दोनों को साथ में, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे करो। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, ये है मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ये है मेरे वीक सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स दो तीन बार करके साइड में रख दो, वीक सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, थ्योरी वीक है थ्योरी बार बार पढ़ो, प्रैक्टिकल वीक है न्यूमेरिकल वीक है बार बार सॉल्व करो, सॉल्व करो, कॉपियां भरो, लिख लिख के याद करो, एग्जाम की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सजेस्टेड आंसर्स खोल के देखो, टॉपर की आंसर शीट खोल के देखो और देखो आंसर कैसे लिखते हैं मार्क्स लाने के लिए। बेटा बोलने के नहीं, याद करने के नहीं, लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना। काय के मार्क्स मिल रहे एग्जाम में? सिर्फ और सिर्फ लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट के मार्क्स मिल रहे हैं, आपका लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। बच्चों को आंसर आते लिख नहीं पाते, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, 38-39 में फेल हो जाते हैं, यहाँ पे दुख लगता है जब छह महीने बाद फिर से अटेम्प्ट लगता है। थोड़ी सी बेवकूफी, क्या बेवकूफी थी? हम लोगों ने टॉपर्स के आंसर शीट नहीं देखी, हमने सजेस्टेड आंसर नहीं देखा, ऐसे ही कैसा लिखवाना चाहते हैं हमसे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखाना चाहता है ना, तो वैसी लैंग्वेज सीखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, भर दो कॉपियां, 10-20 जितनी कॉपी भर रही यार कोई दुख नहीं होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा ना सब कुछ पैसा वसूल हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये चीज ध्यान में रखना। अब मैं आता टॉपिक में, मेन ये सारी चीजें थी बताना जरूरी, तो मैंने बता दी। टॉपिक ये है कि कैसा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। भाई एक डेढ़ महीने का टाइम लो, दो महीने का टाइम लो, अपना पूरा सिलेबस एक बार खत्म करो। खत्म कैसे करना है? सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट है, कोचिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, कैसे करूं क्या करूं कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बोला शांत, बोला दो मिनट शांत हो जाओ भाई, यूट्यूब में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो अवेलेबल नहीं, सत्य बच्चा, यूट्यूब से पढ़ता था मैं, मान लो मैं तो सेल्फ स्टडी करता था, जो चीज समझ में आ गई जो नहीं समझ में आई तुरंत यूट्यूब में टॉपिक लिखता था, मेरे को 100 वीडियो मिल जाते थे, लेटेस्ट वीडियो उठा के जो टीचर पसंद आता था देख लेता था। फर्क क्या होगा? फर्क इतना होगा कि तुम एक टीचर से नहीं पढ़ते। अब अगर कोई बात बताओ, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, क्या दो टीचर पढ़ा रहे दोनों अलग अलग पढ़ा देंगे? एक बोलेगा नहीं है, एक होता है, एक बोलेगा भैया कॉन्सेप्ट तो सेम पढ़ाते हैं टीचर्स, है ना, कॉन्सेप्ट तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो बुक में लिखा वही पढ़ाएंगे, तो बस चेहरे बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही पढ़ाया जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। जो बोलता है ना कि नहीं एक ही टीचर से पढ़ो फ्लो में, यार ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है, तुमको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चेहरे बदल रहे हैं कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे।
ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। यूट्यूब का यूज करो, अपने इंटरनेट फैसिलिटी का यूज करो, 1.5 GB 2 GB 2.5 GB डिपेंड करता है, एयरटेल जियो यूजर हो भाई उसको खपाओ, 24 घंटे में मिलता है ना उसको यूज करो, ठीक है। पर ऐसा नहीं अब दिन भाई यूट्यूब में लेके बैठ गए, ठीक है, ऐसा काम मत कर। एक स्ट्रेटेजी देखो, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो अप करो, दिन में कितने घंटे का आउटपुट दे, 12 से 14 घंटे का आउटपुट दो, 12 से 14 घंटे का आउटपुट दिन में देना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सीए के स्टूडेंट हो, इंटर लेवल पे हो, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप लेके चलो, सिलेबस अपना खत्म करो। रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, फिर से पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो गया, अब समझ में आ गया हमने कौन से सब्जेक्ट में कितने पानी में, ठीक है। जो सब्जेक्ट टफ लगता है 3 बार रिवीजन करो, जो सब्जेक्ट इजी है 1-1.5 बार रिवीजन करो, 1 या 1.5 बार, भैया आधे बार क्या होता है, आधे बार मतलब पूरा पूरा रिवाइज मत करो, ऊपर ऊपर से रिवाइज करो, फ्लोटिंग वे में रिवाइज करो, ऊपर ऊपर से, अरे हाँ ये तो आता है, अरे हाँ ये तो आता है, ऐसे रिवाइज, तब फिर बात बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात इतनी, तो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि भाई 4 दिन टैक्स पढ़ो, 5 दिन अकाउंट्स पढ़ो, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। सब बच्चे अलग होते हैं, सबका टाइम टेबल अलग होता है, कोई इंटर का है, कोई आईपीसीसी का, कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है, किसी का अकाउंट स्ट्रॉन्ग, किसी का ऑडिट स्ट्रॉन्ग, किसी का ईआईएसएस स्ट्रॉन्ग, तो भाई सबके अलग अलग स्ट्रेटजी होंगी। बस हम स्ट्रेटजी बनाना कैसे है, उसका एक ढांचा बना सकते हैं, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना के दे सकता हूँ आपको, स्ट्रक्चर को खुद भरना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, समझ में आ रही होगी आपको बात, कैसे आपको फॉलो अप करना है। और सेल्फ स्टडी वाले बच्चों ने यार, कोई डर की बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ज्यादा क्लियर करते हैं। अब झूठ नहीं बोलूंगा भैया, देखो कोचिंग वाले बच्चे, मान लो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे 10 हैं, तो 10 में से 6-7 तो सेल्फ स्टडी वाले एग्जाम निकाल ही देते हैं, पर अगर कोचिंग वाले बच्चे 10 है तो 3-4 का ही निकलता है, 3-4-5 का, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को कहीं ना कहीं एक तरीके से डर रहता है। इस बात का डर रहता है, इस बात का डर रहता है कि हम कोचिंग नहीं लिए तो क्या हमारा निकलेगा एग्जाम, है ना, तो उस वजह से कुछ ज्यादा ही पढ़ देते हैं, उस वजह से कुछ ज्यादा ही पढ़ देते हैं, और इस वजह से क्या होता है ना, फिर एक वो रहता है, अभी भाई कॉस्ट का एग्जाम दे के आया, जब मैं क्लियर कट डिक्लेरेशन घर में दिया था, मैं कॉस्ट में फेल हूं, मैं दे दिया था डिक्लेरेशन, क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं था ना अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी थी। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमको लगता है हम कहीं से कोचिंग नहीं किए तो हमारा पेपर खराब गया, भाई कॉस्टिंग में 68 आया, ठीक है, तो वो बात नहीं थी, मतलब मैं डर के मारे इतना पेपर बना के आ गया, इतना पेपर बना के आ गया कि मेरा 68 एग्जामिशन लग गया कॉस्ट पे, ठीक है, तो ये बात होती है। तो एक एडवांटेज है कि हम लोग जितना डरते हैं तो बोलते हैं डर के आगे जीते हैं, तो वो चीज हमको यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को देखने को मिलता है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे नहीं हो तो भाई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोचिंग कर रहे हो वो आपकी बात है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे जनरली वो होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है प्रॉपर, है ना, जब सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, पर सपने बड़े हैं तो सीए करने आते हैं हम लोग भी, ठीक है, तो उस वजह से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कोई सोचने वाली बात नहीं। तो बिल्कुल भी मेंटल डिस्ट्रेस मत हो, बिल्कुल भी डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसा फीलिंग आ रहा है सांस लो और बाहर निकाल के फेंक दो, बोलो कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम पावरफुल है, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है, और वो एक दिन नवंबर में आने वाला है। तो नवंबर की स्ट्रेटेजी लेके चलो, 1-1.5 महीने अपना सिलेबस खत्म करो, फिर रिवीजन शेड्यूल बनाओ, रिवीजन ऐसा बनाना कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक तरफ, वीक सब्जेक्ट एक तरफ, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कम टाइम, वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम, ठीक है। इतनी चीज तुम लेके चलो, वो तुम नहीं के तो बोलना क्या क्या सॉल्व करना है, आरटीपी एनटीपी पूरी पूरी सॉल्व करना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, फोन उठाओ निकालो, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, आरटीपी एनटीपी पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं होता फोन में प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करो, 10-20-50-100 रुपए लगता है, निकाल के सॉल्व करो, प्रीवियस 5 ईयर का हो जाना चाहिए। यूट्यूब में वीडियो देखो रिवीजन के, जो मैं रिकमेंडेशन ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, रिवीजन वीडियो किसके देखते हैं, तो वो जाके देख लो, रिवीजन वीडियो देख लो, इवन रेगुलर के भी जो वीडियो टीचर डाल के रखे हर टॉपिक के उसको देखो। एक चीज ध्यान में रखना, लेटेस्ट वीडियो देखना यार, पुराने वीडियोस मत देख लेना, अमेंडमेंट आती है चीजों में, सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आती है, पुराने वीडियो उठा के मत देखना, नई चीजें देखो, ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करो, पक्का इस बार एग्जाम गो थ्रू निकल जाएगा। एक सिंगल ग्रुप देना, बोथ ग्रुप देना, सफिशियंट टाइम 4 महीना मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत है, एक ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 4 महीना काफी टाइम होता है विद रिवीजन। और अगर तुम्हारा एक ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीट है 70-80%, मतलब तुम बोथ ग्रुप दे सकते हो नवंबर, इसका सिंपल मतलब है तुम बोथ ग्रुप दे सकते हो नवंबर, और एक ग्रुप की प्लान कर रहे हो तब तो फिर अभी चालू करोगे तो भी खत्म करो, अभी चालू करके भी खत्म कर लो आराम से, 2-2.5 महीने में सेकंड ग्रुप खत्म हो जाता है, 1.5 महीना रिवीजन खत्म हमारा, और बोथ ग्रुप भी कर रहे हो तो भी निकल जाएगा, कोई टेंशन बात नहीं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी और जरूरत तो मुझे बता देना, ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए हो और एनीथिंग अबाउट, और भाई टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो यार, अगर सीए स्टूडेंट हो, टेलीग्राम में ना भरमार एकदम बाढ़ आ जाती है पीडीएफ की, नोट्स वोट सब मिल जाता है वहां पर, क्या क्या चीज की कमी, हर चीज टेलीग्राम में तुम लिख के देखो एक बार भाई, वो जीनी है तुम्हारा, तुम अला दिनो और टेलीग्राम तुम्हारा जीनी, जो नोट लिख दो, जो जिस सब्जेक्ट का जिसकी बुक की पीडीएफ मांग लो सब मिलती है वहां पर, हर चीज वहां पर, एक ओपन मार्केट है जो फ्री में तुमको हर चीज दे रहा है, तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, वो भी फायदे में रहोगे, ठीक है। टेलीग्राम ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, छोटा सा यूट्यूबर हूं, मेरे को स्पॉन्सरशिप आती नहीं है, ठीक है, मैं बस वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय।